ना कोई ताकत, ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। नमस्कार, बोल इलाहाबाद आजाद है तेरे। मैं अभिसार शर्मा। महिला पहलवानों, पहलवान बेटियों को इंसाफ दिलाने के नाम पर दिल्ली पुलिस ने आज एक और ड्रामा किया। जी न्यूज, एबीपी न्यूज, हिंदुस्तान, इन तमाम न्यूज चैनल्स की खबर देखिए। आज सुबह दिल्ली पुलिस जो है वो ब्रजभूषण शरण सिंह के घर पहुंची और वहां पर उनके नौकरों और उनके सहयोगियों से पूछताछ की। क्या दिल्ली पुलिस ये जानती है कि ब्रजभूषण शरण सिंह एक राजनीतिक बाहुबली हैं? उनका दबदबा कई जिलों पर चलता है। अपने शहर की बात तो छोड़िए, अपने शहर के बाहर उनका खौफ है। मैं समझना चाहता हूं दिल्ली पुलिस से कि आप उनके सहयोगियों से क्या पूछताछ कर रहे थे। ब्रजभूषण शरण सिंह वो व्यक्ति है जिसने लल्लन टॉप को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि मैंने एक व्यक्ति को गोली मार दी थी। किसी ने इस बात की पड़ताल नहीं की कि उस मामले का क्या हुआ। ब्रजभूषण शरण सिंह वो शख्स हैं जिन्होंने इंडिया टीवी को दिए गए इंटरव्यू में यह दावा किया था कि एक लड़की आई थी, मैंने उसकी बात उसके पिता से फोन पर करवाई और फिर उसको मैंने अपने गले लगा लिया। वो लड़की असहज महसूस करने लगी, तब मैंने उस लड़की को कहा अरे मैं तो तुम्हारे पिता समान हूं। ये वो शख्स है। उस शख्स के घर जाकर उसके नौकरों से बातचीत करके दिल्ली पुलिस को क्या हासिल होगा, हो क्या रहा है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं। एक एक करके मामले को जिस तरीके से खींचा जा रहा है, सबूत आसपास बिखरते जा रहे हैं। सबसे शॉकिंग है आज इंडियन एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर यह खबर। आप जानते हैं इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर क्या कहती है? इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर कहती है कि जिस माइनर ने, यानी कि जो 18 साल से कम थी, उसने पॉक्सो के अंतर्गत शिकायत दर्ज की थी एक नहीं दो दो बार, जिसमें एक बार उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया था। अब इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक उन्होंने अपना बयान वापस ले लिया है, अपनी शिकायत जो है वापस ले ली है। सेक्शन 164 के अंतर्गत उन्होंने एक और बयान दिया है। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जिन धाराओं में उस माइनर ने बयान दर्ज करवाया था वो कौन सी धाराएं थी, और उसमें सजा का प्रावधान 1 से 3 साल और फिर 7 साल। कौन कौन से सेक्शंस थे आपकी स्क्रीन पर? सेक्शन 354A सेक्सुअल हैरेसमेंट, 354D स्टॉकिंग, 34 कॉमन इंटेंशन, और इन सब में 1 से 3 साल की सजा है। इसके अलावा सेक्शन 10 डील्स विद एग्रीवेटेड असॉल्ट अगेंस्ट अ माइनर व्हिच इज पनिशेबल विद अ जेल टर्म ऑफ अप टू 7 years। Section 9 of the POCSO Act, which defines aggravated sexual assault, criminalizes sexual assault against a child by a person who is into a position of trust or authority. ये तमाम धाराओं के अंतर्गत मामला था। अब इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर का विश्वास किया जाए तो उन्होंने मामला वापस ले लिया। हालांकि लाइव हिंदुस्तान की जो ये खबर आई है, उनके पिता ने बयान दिया है कि ये महज अफवाहें। हालांकि लाइव हिंदुस्तान की खबर कल की है, इंडियन एक्सप्रेस की खबर आज सुबह की है। मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि दरअसल लाइव हिंदुस्तान में उनके पिता का क्या बयान आया है। फेक न्यूज पर भड़के पीड़िता पहलवान के पिता बोले, ब्रजभूषण के खिलाफ वापस नहीं ली शिकायत। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दूसरी एफआईआर दर्ज करवाने वाले नाबालिग पहलवान के पिता ने कहा है कि उन्होंने अपनी शिकायत वापस नहीं ली है। इस तरह के जो भी दावे किए जा रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। पीड़िता के पिता ने कहा कि उन्होंने पटियाला हाउस कोर्ट से ब्रजभूषण के खिलाफ शिकायत वापस नहीं ली है। आगे वो क्या कहते हैं इस पर गौर कीजिएगा। उन्होंने कहा कि मैं कुछ वक्त से बाहर था और सोशल मीडिया टीवी चैनलों से पता चला, मैं देख रहा हूं कि पहलवानों के खिलाफ जमकर फेक न्यूज चलाई जा रही है। मेरी बेटी की उम्र के बारे में गलत न्यूज दी गई, वो नाबालिग है और मैं अपनी शिकायत को वापस क्यों लूंगा। बता दें कि 2 दिन पहले उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर संतोष जताया था और कहा था कि उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा। दोस्तों दिक्कत क्या हो रही है कि सबूत तो ढेरों हैं,
मगर पुलिस जिस तरह से मामले को खींच रही है, मोदी सरकार जिस तरह से इसमें देरी कर रही है, हो सकता है उन पर लगातार दबाव हो। मैं उम्मीद करता हूं जो इस मुद्दे में माइनर हैं वो अपना बयान वाकई वापस नहीं लेंगी। दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की यह खबर यह भी कहती है कि कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली अनीता, जिनकी उम्र 38 साल है, उन्होंने अपने एक बयान में एक बहुत ही शॉकिंग दावा ब्रजभूषण शरण सिंह के बारे में किया है। उनका यह कहना है कि एक एथलीट पर दबाव बनाया गया कि वो ब्रजभूषण शरण सिंह के रूम में जाएं जब वो विदेश में थी, और जब वो एथलीट ब्रजभूषण शरण सिंह के रूम में गई तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि दूर क्यों बैठी हो, मेरे पास आओ, तुम मेरी बेटी जैसी हो, और फिर जबरन जबरदस्ती उसे गले लगा लिया। ये बातें कोई और नहीं, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल हासिल करने वाली अनीता बोल रही थी। उस लड़की को बार बार परेशान किया गया, उससे फोन आते थे कि प्रेसिडेंट साहब आपसे मिलना चाहते हैं, उसने फोन उठाना ही बंद कर दिया। आप जानते हैं, अगर वो विरोध करती, अगर वो बगावत करती तो उसका करियर वहीं खत्म कर दिया जाता। इस बात की पुष्टि इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडल विजेता अनीता कर रही है। एक तरफ व्यवस्था जिसमें विलंब दिखाई देता है, दूसरी तरफ गोदी मीडिया का झूठा प्रचार। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि ट्विटर में एक ट्रेंड चल रहा था जिसमें आज तक न्यूज चैनल के बहिष्कार करने की बात की जा रही थी। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज तक न्यूज चैनल ने यह खबर चलाई कि साक्षी मलिक ने खुद को प्रदर्शन से वापस ले लिया है और उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली है। आधी खबर सही है, वो रेलवेज ज्वाइन कर रही हैं, मगर प्रदर्शन से उन्होंने अपना नाम वापस नहीं किया। इस पर साक्षी मलिक ने क्या कहा दोस्तों, आपके स्क्रीन्स पर। ये खबर बिल्कुल गलत है। इंसाफ की लड़ाई में ना हम में से कोई पीछे हटा है ना हटेगा। सत्याग्रह के साथ साथ रेलवे में अपनी जिम्मेदारी को साथ निभा रही हूं। इंसाफ मिलने तक हमारी लड़ाई जारी है। कृपया कोई गलत खबर ना चलाएं। साक्षी मलिक उसके बाद और क्या कहती हैं आपके स्क्रीन्स पर, और यहां पर कहीं ना कहीं हमला बोल रही हैं वो ब्रजभूषण शरण सिंह और सरकार पर भी। क्या कह रही हैं? हमारे मेडलों को 15-15 रुपए के बताने वाले अब हमारी नौकरी के पीछे पड़ गए हैं। हमारी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, उसके आगे नौकरी तो बहुत छोटी चीज है। अगर नौकरी इंसाफ के रास्ते में बाधा बनती दिखी तो उसको त्यागने में हम 10 सेकंड का वक्त भी नहीं लगाएंगे। नौकरी का डर मत दिखाइए। विनेश फोगाट ने भी उसी बयान को दोहराया है जो साक्षी मलिक ने कहा है आपके स्क्रीन्स पर, मगर मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, विनेश फोगाट ने आबिद अदीब के एक शेर के जरिए कल अपनी बात किस तरह से रखी थी, मैं चाहूंगा आप ध्यान से सुने। वो कहती हैं, महिला पहलवान किस ट्रॉमा से गुजर रही हैं इस बात का एहसास भी है फर्जी खबर चलाने वालों को। कमजोर मीडिया की टांगे हैं जो किसी गुंडे के हंटर के आगे कांपने लगती हैं। महिला पहलवान नहीं, आगे आबिद अदीब का क्या शेर वो पेश करती हैं आपके स्क्रीन्स पर। जहां पहुंच के कदम डगमगाए हैं सबके, उसी मकाम से अब अपना रास्ता होगा। हमारे खिलाड़ी न्यूज चैनल से क्यों नाराज हैं मैं आपको बतलाता हूं। सिर्फ आज तक नहीं, इंडिया टीवी पहलवानों के आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर, अमित शाह से मुलाकात के बाद बट गए पहलवान, झूठी खबर। साक्षी मलिक ने खुद को आंदोलन से अलग किया, झूठी खबर। बात यहां तक सीमित नहीं है, सरकार का पालतू रिपब्लिक आपके स्क्रीन पर। साक्षी मलिक ने खत्म किया धरना, अब वो प्रदर्शन में शामिल नहीं होंगी। फिर देखिए साहब, आज तक पहलवान के आंदोलन से साक्षी मलिक ने खुद को किया अलग, रेलवे में अपनी जॉब पर लौटी। एनडीटीवी इंडिया भी पीछे नहीं है, पहलवान साक्षी मलिक धरने से हटी, उत्तर रेलवे की ड्यूटी पर लौटी। टीवी 9 भारत सभी ये बात कह रहे हैं। दोस्तों, आपको कुछ चीजों पर गौर करना पड़ेगा। आपको इस बात पर गौर करना पड़ेगा कि देश के गृह मंत्री अमित शाह मुलाकात करते हैं विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया से, और उस मुलाकात के बाद इस तरह की खबरें वायरल हो जाती हैं। हां, उस मुलाकात का कुछ तो असर हुआ है हमारे खिलाड़ियों पर,
तभी साक्षी मलिक और विनोश फोगाट जो हैं वो वापस रेलवे की नौकरी पर लौट आई हैं, मगर मैं उसके लिए उन्हें कटघरे में नहीं रखूंगा, क्योंकि हर किसी को अपनी रोजी रोटी कमानी है। हर कोई उस पत्रकार की तरह नहीं है जो हिडन कैमरे पर 100 करोड़ की वसूली करे। नहीं, हमारी महिला पहलवान जो हैं उस गोदी मीडिया की तरह नहीं है जिसे सरकारी मदद मिलती है। इन्होंने अपने जौहर से, अपने शौर्य से ये मेडल हासिल किए और उसी के चलते उन्हें इनाम मिला है। दुख की बात यह है कि आज चाहे मीडिया हो, चाहे भाजपा के नेता, उन्हें ये ताना दे रहे हैं कि सिर्फ मेडल क्यों फेंक रहे हो तुम, नौकरी भी वापस कर दो, सरकार ने जो इनामी रकम दी है उसे भी वापस कर लो, जैसे कि सरकार ने अपनी जेब से ये पैसे दिए। नहीं साहब, उन्हें यह इनाम दिया गया है देश का नाम रोशन करने के लिए, और जब वो देश का नाम रोशन करते हैं तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं बिल्कुल इसकी तरह। मगर आज मैं एक बहुत बड़ा दावा कर रहा हूं दोस्तों, याद कीजिए, विनेश फोगाट ने पुलिस के सामने दर्ज अपने बयान में यह कहा था, क्या कहा था, कि उन्होंने प्रधानमंत्री को इस बारे में शिकायत की। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर प्रधानमंत्री को इस बारे में विनेश फोगाट ने शिकायत की कि उनका यौन उत्पीड़न किया जा रहा है या किसी खिलाड़ी को परेशान किया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री ने क्या किया? प्रधानमंत्री तो इस देश के राजा है ना। बकौल संसदीय कार्य मंत्री, जब प्रधानमंत्री संगोल के सामने साष्टांग हो रहे थे तब प्रहलाद जोशी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजा हैं, तो राजा ने इस बात को दबा क्यों दिया? राजा इस बात को लेकर सार्वजनिक क्यों नहीं हुए? बृजभूषण शरण सिंह पर त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं हुई? और सबसे बड़ी बात, मामले को घसीटा क्यों जा रहा है? किसको फायदा होने वाला है? ये सब जो कुछ हो रहा है ना दोस्तों, वो अपने आप में बहुत दुखी करने वाली बातें हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे खिलाड़ियों को इंसाफ मिलेगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।